hello kids how are you all i hope you all are well and very good morning to everyone students today we are going to start our topic in english grammar singular and plurals okay one and many singular means one plural means many so let's begin this topic in english grammar students as you all know in previous video i explained about noun noun is the name of person place animal or thing so students singular noun and plural noun okay nouns we can divide them in two parts singular nouns and plural nouns okay one many so here singular noun or one related to one person or one item or one thing स्टूडेंट्स एक चीज कोई भी एक चीज रिलेटेड हो किससे कोई भी पर्सन हो या कोई भी आइटम हो या तेंग हो बच्चों ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे सिंगुलर बोलेंगे और क्या बोलेंगे वन बोलेंगे नॉ स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल क्या है सी द एग्जाम्पल्स बुक बॉय मैन गर्ल ओके सो इन प्लूरल रूरल नाउंस क्या होंगी रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन मतलब किससे रिलेटेड होंगी मोर देन वन पर्सन से और आइटम ठीक है मैनी होगी वन थिंग नहीं होगी मैनी होगी एग्जाम्पल बुक का क्या हो जाएगा यहाँ पे बुक्स हो जाएगा मतलब मोर देन वन बॉय बॉयज़ हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि वो मोर देन वन है मैन मैन हो जाएगा यहाँ पर ए की जगह ई e लग जाएगा ओके गर्ल गर्ल्स ओके एस लग जाएगा So, let me explain with more examples. Noun can name one thing or more than one thing. The nouns that name one things are called singular nouns. The noun that name more than one thing are called plural nouns. Now, students, this already explained. Noun can be named one thing. Matlab, ek cheese bhi ho sakti noun or. एक से ज्यादा भी हो सकती है अगर सिंगल होगी तो हम उसे सिंगुलर नाउन बोलेंगे अगर एक से ज्यादा होगी सो हम उसे प्लूरल नाउन्स बोलेंगे ओके नो स्टूडेंट्स एडिंग एस अब हम किस में एस लगाएंगे ये ये रूल्स हैं बेटा कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि एस कहाँ कर लगेगा वी एड एस एट द एंड ऑफ सम नाउन्स टू मेक दम प्लूरल अब प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होता है एस ऐड करना होता है फॉर एग्जाम्पल डॉग डॉग्स सो डॉग क्या गया? हमने क्या लगा दिया एस लगा दिया तो सो डॉग्स टू हो गए यहां पर मतलब टू है तो क्या हो जाएगा मेनी मोर देन वन फ्लावर फ्लावर्स एफ एल ओ डब्ल्यूर फ्लावर्स एस लग जाएगा यहां पर ओके okay? ट्री Tree, यहां ट्रीज मोर देन वन है ट्रीज हो जाएगा टी आर डब्ल एस यहां पर लगा देंगे रीड एंड अंडरस्टैंड ओके लेट सी मोर एग्जाम्पल कैट कैट्स कैट cat एक है आपर, यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी कैट्स है तो क्या हो जाएगा सी ए टी एस लगा देंगे रेट रैट्स ओके वेन वी से कैट वी मीन वन कैट वेन वी से कैट्स वी मीन मोर देन वन कैट्स ओके आपको क्लियर है अगर हम एक कैट कैट बोल रहे हैं तो वह है सिंगुलर अगर हम कैट्स बोल रहे हैं तो वह है प्लूरल ओके वी एड एस टू समर्ड्स टू चेंज दैम फ्रॉम वन टू मैनी हम क्या करते हैं बच्चों एड एस कर देते हैं जिसमें हमको वन से मैनी बन जाते हैं अ सो मैनी क्रेउन्स हो जाएंगे जो सी आर ए वाई ओ एन एस एस लगा देंगे मैनी क्रॉन्स एन ऑरेंज मैनी ऑरेंजेस सो ओ आर ए एन जी ई एस लग जाएगा यहां पर ओके okay? एस लग जाएगा यहां पर सो so, ऑरेंजेस हो जाएंगी नाउ स्टूडेंट ई एस हम कहाँ पर लगाते हैं वी एड ई एस टू सम नाउंस दैट एंड इन ओ एस एच एक्स एस और सी एच टू मेक दैम प्लूरल नाउस टूडेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें जब सिंगुलर है उसे हम प्लूरल कैसे बनाएंगे अगर किसी भी वर्ड के एंड में ये चीज़ें आ रही है ओ एस एच एक्स एस सी एच अगर ये आ रही है तो हम वहाँ पर ई एस लगा देंगे आपको कुछ भी नहीं करना है आपने वर्ड में देखना है अगर ये आ रहा है तो आपने ई एस लगा देना है सी एग्जाम्पल बेंच बी ई एन सी एच सी एच आ गया लास्ट में तो आपने क्या लगा दिया है बी ई एन सी एच ई एस आपने लास्ट में ई एस लगा देना है पोटैटो पोटैटो के आगे ओ आ रहा है यहाँ पे लास्ट में सो so, ओ है ना यहाँ पे सो so, हम क्या लगा देंगे पोटैटोज ई एस लग जाएगा पी ओ टी ए टी ओ ई एस पोटैटोज नो स्टूडेंट्स बी ओ एक्स सी एक्स है यहाँ पर है ना लास्ट में सो वट विल बी द स्पेलिंग ऑफ द बॉक्स अब जब प्लूरल बना देंगे हम तो क्या हो जाएगा बी ओ एक्स ई एस बॉक्सिस नो स्टूडेंट एस आ गया यहाँ पर अगर एस आ जाता है लास्ट में तो हम उसको ई e एस लगा देंगे सो डी आर ई डबल एस ड्रेस है सो प्लूरल क्या हो जाएगा ड्रेसिस ई एस टू समाउंस दैट एंड इन एफ और एफ ई टू मेक दम प्लूरल रिमेंबर एफ और एफई इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लूरल नो स्टूडेंट्स आप उनको आपको प्लूरल बनाने के लिए जिस भी वर्ड में एफ और एफ ई आएगा उनको क्या करना है ये एफ और एफ ई को हटा देना है उनकी जगह आपको वी ई एस एड कर देना है द एग्जाम्पल के एन आई एफ ई अब देखिए एफ ई आ गया तो अब इसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो के एन आई वी ई एस नाइव्स ओके सो नाइफ नाइव्स नाइफ नाइव्स लीफ लीव्स एल ई एफ लीव अब एफ आ गया यहाँ पर एफ आ गया यहाँ पे तो हम क्या बना देंगे उसको एफ को हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे मतलब हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस लगा देंगे एल ई ए वी ई एस लीव्स बन जाएगा ना आई ई एस कहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट्स वेन अ वर्ड एंड एन वाई वी यूजली ड्रॉप वाई एंड एन आई ई एस टू मेक इट्स प्लूरल अब उसको अगर कोई भी वर्ड में बेटा वाई लास्ट में आ रहा है तो उस वाई को हटा देंगे और वॉट वी हैव टू एड आई ई एस उसमें एड हो जाएगा लेट सीज एग्जाम्पल फेयरी एफ ए आई आर वाई फेयरी सो वाई हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आई ई एस लगाना है एफ ए आर आई ई एस फेयरीज पी यू डबल पी वाई पपी सो वाई है बेटा यहाँ पर सो so, वाई को यहाँ से हम हटा देंगे वाई हटा देंगे सो आई ई एस यहाँ पर लगा देंगे सो so, प्लूरल बन जाएगा ये सिंगुलर है ये प्लूरल है पी यू डबल पी आई ई एस पपीज बन जाएगा ओके मोर प्लूरल एग्जाम्पल्स सब नाउन डू नॉट फॉलो एनी रूल बैन चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल इसमें कोई रूल नहीं होता है बेटा फॉर एग्जाम्पल एम ए एन एम ई एन हो जाता है एफ डब्लू टी फुट एफ डबल फीट हो जाता है अगर एक पैर है तो फुट बोलते हैं अगर दो पैर हैं साथ में तो हम उसको फीट बोलते हैं ओके लेट्स सी सम ऑफ द रूल्स रूल नंबर वन मोस्ट वर्ड्स एड एस एस हमको रूरल कैसे बनाएंगे सिंपल है सिर्फ उसमें एस एड कर देना है वन एप्पल डेस्क का डेक्स हो जाएगा बुक book का बुक्स हो जाएगा पेन pen का शॉप शॉप्स चेयर चेयर्स सी आई एम टू वन एप्पल

मैनी बॉक्सेस सो एक्स आ गया हमने क्या ऐड कर देना है यहाँ पर ई एस एड कर देना है सो एग्जाम्पल क्विज क्विजेस बस बसेस लॉस लॉसेस बेंच सॉरी बीच बीच डिश डिशेज बंच बंचज सो ओनली एड ई एस ओके जहाँ पर भी आपके वर्ड्स में सी एच एस एच एस 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 एक्स और जेड अगर आते हैं वर्ड के लास्ट में तो आपने ई एस एड कर देना है रूल नंबर थ्री है आपका वेन द लेटर बिफोर ए वाई इज़ कॉन्सनेंट चेंज द वाई टू एन आई बिफोर एडिंग एन ई एस फॉर एग्जाम्पल बेबी अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों लास्ट में वाई वाई आ गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेबीज आई ई एस लग जाएगा वाई को हटा देना है आपको ठीक है ना वन बेबी एंड टू बेबीज ओके

ओके okay? अगर कोई भी वर्ड इन से एंड होता है तो व्हाट वी हैव टू डू यू हैव टू एड ओनली एस सी डे डेज की कीज़ प्ले लगाना है सिंपल बॉय बॉयज डिले डिलेज गाय गाइस ओके सो स्टूडेंट्स यहां पर सिंपल करना है कुछ भी नहीं लगाना यहां पर सिंपल आपने एस लगा देना है रूल नंबर फोर वेन वर्ड्स एंड इन ए वाई ई वाई आई वाई सो दिस इज द सेम वन ओकेल रूल नंबर फाइव वेन वर्ड्स एंड इन एफ और एफ ई अगर वर्ड किससे एंड हो रहा है एफ और एफ ई तो वो चेंज होकर क्या बन जाएगा वी ई एस लगा देंगे हम फॉर एग्जाम्पल वन नाइफ टू नाइव्स के एन आई वी ई एस ये ऑलरेडी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं जैसे कि आपको समझ में आए ओके लीव Leave, लीव्स हो जाएगा हाफ हाफ्स वी ई एस लगा जाएंगे है ना वाइफ एफ ई हट जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस वाइफ्स लाइफ लाइव्स हुफ हुफ्स थीफ थीव्स रूल नंबर सिक्स वेन अ वर्ड एंड्स इन एन ओ एंड कम्स आफ्टर अ कॉन्सोनेंट एड ई एस टू मेक द प्लूरल अगर किसी भी वर्ड के लास्ट के अंदर टोमे लाइक ओ आता है तो आपने क्या लगा देना है ई एस लगा देना है ओके फॉर एग्जाम्पल वन टमैटो टू टमैटोज ई एस लगा देना है कार्गो कार्गोज ई एस लगा देना है ईको ई कोज वॉलकैनो वॉलैनोज Flamingo, flamingos. Mango, mangoes. Yes. Okay. M-A-N-G-O-E-S. Hero, heroes. Okay. Trophido, trophidos. Okay. So, student, in this way, you have to do the singular and plural. Okay. These are the some examples. Okay. If you face any difficulty, you may ask me in the WhatsApp group. Okay. So. all rules are clear if you face any difficulty you may ask okay in the whatsapp group if you like this video please press the like button and subscribe to my channel thank you so much and have a nice day please take care of yourself and your family bye bye take care kids